नमस्कार, मैं संदीप बालन आपका TNI के YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आइए अपने प्रतिशत के कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। देखो, जैसे पिछले कंसेप्ट में हमने सीखा था कि कोई एक वैल्यू डिपेंड करती है तो जो उसकी बाकी जिन पे वो डिपेंड करती है वो आपस में एक दूसरे के उल्टे होते हैं। आज कंसेप्ट बदलते हैं, ठीक है, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में देखो कह रखा है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, चुनाव हुआ उसमें दो प्रत्याशी खड़े हुए थे, 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, जो कुल जनसंख्या थी उसमें से 10% ने वोट नहीं दिया। एक उम्मीदवार को कुल वोटों का 47% वोट मिले, जो टोटल वोट थे गांवों के उसमें से 47% वोट मिल गए एक, और उसने दूसरे को 308 वोटों से हरा दिया, जो दूसरे को जितनी भी वोट मिले उसको 308 से हरा दिया। 60 वोट थे वो खराब हो गए, यानी वो 60 आदमी डालने तो आए थे वोट लेकिन उनकी गिनती नहीं होगी, वो खराब हो गए। पूछा गांव में कुल कितने वोटर थे कि टोटल वोटर कितने थे। देखो कोई भी चीज पूरी होती है वो कितनी होती है, 100%। 100% कुल वोटर थे, इसमें से 10% वोटर तो वोट डालने ही नहीं आए, ठीक है, तो यानी कि वोट कितने ने डाली होगी, 90% ने। इस 90% में जिसने वोट डाली इसमें कौन कौन थे जीतने वाला, इसको कितने वोट मिले, 47%। एक इसमें था हार वाला जिसकी हार हुई, और इसमें वो वोट भी थे 60 जो खराब हो गए, ठीक है भाई। जीतने वाले को मिले थे 47% वोट, और हारने वाले को और 60 वोट खराब हो गए वो भी किसमें थे, 90। यदि मैं इन दोनों को मिला दूं तो ये कितने होने चाहिए, 43%, ठीक है। टोटल 90 थे, 47% जीतने वाले को मिले, तो हारने वाले को जो 60 वोट खराब होगी यदि मैं इनको जोड़ दूं तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 43% के। अब देखो वो कितने वोटों से जीता था, 308 वोटों से वो जीत रहा था, लेकिन हमने क्या किया, जो वोट 60 खराब हो गए थे वो भी किसको दे दिए, हारने वाले को, यानी कि हारने वाले के वोट अब बढ़ गए तो वो 308 वोटों से नहीं जीतेगा, इसमें से 60 वोट कम कर दो, ठीक है, यानी कि वो 248 वोटों से जीत रहा होगा, क्योंकि पहले इसको कुछ वोट मिले थे, अब इसको 60 वोट जो खराब हुए थे वो भी हमने मान लिया कि इसी को दे देते हैं हम काउंटिंग करने के लिए एक बार के लिए, ठीक है, तो इसके वोट बढ़ जाएंगे, इसके वोट बढ़ेंगे तो जो हार का अंतर है वो कम हो जाएगा, वो पहले 308 वोटों से जीत रहा था, 60 वोट और दे देंगे तो हार का अंतर कम हो जाएगा, तो अब वो कितने से जीतेगा, 248 वोटों से, और यहां वो कितने से जीत रहा है, इसको मिले 47% और इसको मिले 43%, इनका अंतर कितना है, 4%, यानी वो कितने वोटों से जीत रहा है, 4% से, यहां जीता वो 248 से और यहां जीत रहा था वो 4% से, 4% का मान है 248, ठीक है, तो 1% की वैल्यू निकालेंगे तो ये 248 भाग में चला जाएगा 4, 4 से काट दो 4 6 24 और 4 2 8, यानी कि 1% किसके बराबर है, 62 के। क्वेश्चन में पूछा कि टोटल कितने वोटर थे हमारे पास, टोटल वोटर कितने थे, 100%, 1% का मान है 62, तो 2 जीरो इसके पीछे लगा देंगे तो कितना बन जाएगा, 100%, तो 2 जीरो इसके पीछे भी लगा दो तो ये कितना हो गया, 6200, यानी गांव में कुल टोटल कितने वोटर थे, 6200 वोटर थे, ठीक है, एक बार देख लो इसको, समझ आएगा फिर अगला क्वेश्चन पर। देखो बेटा इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि चीनी के रेट 20% बढ़ गए, पहले चीनी के रेट कुछ और थे अब 20% बढ़ गए हैं चीनी के रेट, ठीक है, चीनी के रेट बढ़ गए जिसके कारण एक व्यक्ति 600 रुपए में 5 किलो चीनी कम खरीद पाता है। मतलब क्या है इस लाइन का, कि वो व्यक्ति पहले भी 600 रुपए की चीनी लेने जाता था, आज भी वो दुकान पे 600 रुपए की चीनी लेने गया, लेकिन चीनी के रेट बढ़ गए थे तो चीनी कम आएगी अगर रुपए बराबर है, ठीक है,
चीनी के रेट बढ़े तो चीनी आनी कम हो जाएगी, तो 600 रुपए में पहले कुछ चीनी आती थी, अब 600 रुपए में कितनी चीनी आने लगी, 5 किलो कम आने लगी पहले से। तो क्वेश्चन में पूछ रखा है चीनी के बढ़े हुए और पुराने रेट ज्ञात हो, यानी कि जो अब नए रेट है वो भी बता दो और पुराने रेट भी बता दो। तो देखो सबसे पहले जब भी अब की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी हो ना, चाहे वो कम हुई हो चाहे बढ़ी हो, तो ये एक ही लाइन का क्वेश्चन बनता है। कंसेप्ट क्या है इसके पीछे, चीनी के रेट 20% बढ़ गए, वो पहले कितने की चीनी खरीदता था, 600 रुपए की, 20% रेट बढ़ गए हैं तो 600 का 20%, ठीक है, 600 का 20% कितना हो गया, 600 का मतलब गुना 20% का निशान कहेंगे, नीचे क्या जाएगा 100, 60 × 120, यानी कि कितने रुपए बढ़ गए हैं, 120 रुपए बढ़ गए हैं। और ये 120 रुपए जो बढ़े हैं इसका फर्क क्या हुआ कि 5 किलो चीनी कम आने लगी, ठीक है, तो 120 रुपए किसके बराबर है, 5 किलो चीनी के बराबर। तो 1 किलो चीनी का रेट क्या हो जाएगा, 120 ये 5 इधर से बाद में आ जाएगा 24 रुपए, यानी कि अब जो रेट है 1 किलो चीनी का रेट वो क्या हो गया, 24 रुपए हो गया, ये तो नए रेट हो गए। यदि आपको अब की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी चाहिए वो कटी है या बढ़ी है, तो आप एक ही लाइन में ऐसे ही कर सकते हो, 600 रुपए की चीनी लेता था, कितने बढ़ गए 20%, तो 600 का 20% निकाल लोगे ऐसे तो सोलते नहीं, तो रुपए कितने आए, 120, यानी 120 रुपए बढ़ गए, 120 रुपए बढ़े तो चीनी कितनी कम हो गई, 5 किलो, तो 120 रुपए बढ़े जिसके कारण 5 किलो चीनी कम हो, तो 1 किलो चीनी कितने की हो जाएगी, 120/5 यानी कि 24 रुपए, ये नया रेट आ गया चीनी का, ये वाली वैल्यू निकल चुकी है। अब उसने पूछा पुराना रेट ज्ञात करें, तो चीनी के रेट कितने बढ़े, 20%, 20% की वैल्यू क्या होती है, 1/5, ये जो वैल्यू होती है ओरिजिनल वैल्यू होती है, और ये जो इसके अंदर हम बढ़ाएंगे, यानी पहले यदि चीनी के रेट 5 थे तो अब बढ़ के चीनी के रेट कितने हो गए, 6, ये 5 में 1 जोड़ दिया बेटा, उससे ये 6 आया हमारे पास, पहले चीनी के रेट 5 थे तो अब रेट कितने हो गए, 6, जबकि एक्चुअल में देखूं तो अब मेरे पास रेट कितने हैं, 24, 6 के टेबल में 24 कहां आता है, 4 पे, 6 × 24, इस तरफ 4 से गुणा किया तो इधर भी 4 से गुणा करना पड़ेगा, 5 × 20, ये चीनी के पुराने रेट हैं ओल्ड वाले, और ये वाले चीनी के न्यू रेट हैं। तो क्वेश्चन में एक ही रेट आपको निकालने के लिए पूछा गया, तो नए और या पुराने, और जनरली क्वेश्चन में नए रेट पूछे जाते हैं क्योंकि उसमें बदलाव हुआ होता है चीज में, तो इसलिए यहीं तक हम सोल्व करते हैं, क्वेश्चन में यही वैल्यू ज्यादातर पूछी जाएगी, तो नए रेट आगे 24 रुपए प्रति किलो। देखो इस क्वेश्चन में दिया गया है, पिछले क्वेश्चन से मैच होता हुआ है, केले की कीमत में 16 × 2/3% वृद्धि होने के कारण 1 रुपए में 5 केले कम खरीद पाता है। जो एक व्यक्ति है वो 1 रुपए में पहले कुछ केले खरीदता था, अब रेट बढ़ गए तो केले कम आने लगे 1 रुपए में 5 केले। पूछा है कि मैं पहले 1 रुपए में कितने केले खरीदता था, जो पिछला क्वेश्चन था उसमें रेट निकालने थे पुराने वाले, और यहां निकालनी है क्वांटिटी, केले की संख्या या किलो में कोई भी वस्तु हो उस वाले क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले ये देखो रेट कितने बढ़े, 16 × 2/3%, 16 × 2/3% को सोल्व करेंगे हम तो इसका मान होता है 1/6, ये 1/6 कैसे आया, 16 × 3 = 48, और ये ऊपर वाली वैल्यू जुड़ती है, 48 में 2 जोड़ दिए 50/3, और प्रतिशत का निशान हटाते थे नीचे क्या आता हमारे पास 100, 50 × 2 = 100, तो ऊपर 1 रह गया नीचे 3 × 2 = 6, तो 16 × 2/3% का मान होता है 1/6, यानी कि ओरिजिनली 6 रेट था, बढ़ रहा है तो ये ऊपर वाली वैल्यू जुड़ती है, और घटता है तो ये ऊपर वाली वैल्यू घटा देते हैं, यानी कि पहले रेट कितने रुपए था, 6 रुपए, तो अब रेट बढ़ गया कितने रुपए हो गया, 7 रुपए, ठीक है। 16 × 2/3 ये तो 1/6, नीचे वाली वैल्यू हमेशा ओरिजिनल पुरानी वैल्यू होती है, पहले रेट था 6, बढ़ रहा था वैल्यू जुड़ती है, 6 से कितना हो गया, बढ़ के 7, यदि घटता
तो यानी 6 से 1 कम हो गए, कितनी हो जाती है अब 5। ठीक है, रेट और क्वांटिटी, ठीक है, संख्या वस्तु की, ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं, जो पिछली वीडियो में कंसेप्ट पढ़ा था उसी के हिसाब से। ठीक है, तो केले कितने होने चाहिए, 7 से 6, पहली वाली क्या हो रही 6 से 7, तो अब उल्टी करेंगे तो संख्या, रेट बढ़ रहा है तो केले कमाने शुरू हो जाएंगे, 7 से 6 कितने कम हो गए, 1। 7 और 6 में 1 का अंतर है तो 1 कम हो गया, जबकि क्वेश्चन में एक्चुअल में कितने केले कम हुए हैं, 5 केले। ठीक है, तो 1 की वैल्यू क्या है, 5 केले। तो उसने क्वेश्चन में पूछा कि पहले कितने केले खरीदता था, तो पहले यहां कितनी वैल्यू थी, 7, 1 की वैल्यू है 5, तो इस 7 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 गुना में 5, 7 बजे 35 केले खरीदता था वो पहले 1 रुपए में, और यदि अब के पूछे तो इस 6 की वैल्यू निकाल देंगे, 6 गुना में 5, 6 बजे 30 केले। तो जो ये वाली इधर वाली वैल्यू, ये कहां की है, पहले की है, और ये वैल्यू है अब की, पहले रेट 6 था, अब रेट बढ़ गया कितना हो गया, 7, तो ये उल्टे हो जाएंगे, 7 से 6, दोनों में कितना घट गया, 1। क्वेश्चन में देखा 5 केले कम हो गए, 1 की वैल्यू 5 केले, तो 7 की वैल्यू निकालेंगे, 7 पंजे 35 केले खरीदता था वो पहले, रेट बढ़ गया कम हो गए 5, तो ये 30 केले आने लगे। देखो बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले पीजीटी के पेपरों में कई बार आया है। ठीक है, एक एजेंट को 10,000 की बिक्री तक 5% कमीशन मिलता है, कोई व्यक्ति है अगर वो 10,000 रुपए का सामान बेचेगा तो उसमें से 5% कमीशन उसका हो जाएगा, बाकी वो कंपनी वाले को देगा, तथा 10,000 के बाद उसको कमीशन कितना मिलेगा, 4% कमीशन मिलेगा, पहले 5, 10,000 के बाद जो बिक्री करेगा 10 के ऊपर उसमें से 4% उसका, बाकी कंपनी का। यदि वह कंपनियों को 28,700 रुपए देता है तो बताओ उसने कुल कितने रुपए की सेल की है, कितने रुपए का टोटल सामान बेच दिया। देखो मान लिया उसने टोटल कितने रुपए का सामान बेचा, इसमें से शुरुआत के जो 10,000 रुपए हैं इसके ऊपर कितना कमीशन मिलेगा, 5%। ये बताया कि 10,000 की बिक्री तक 5% कमीशन मिलता है। ठीक है, इसके आगे जो भी बिक्री होगी उस पे कमीशन कितना मिलेगा, 4%। अपना कमीशन काट के वो कंपनी को दे देता है 28,700 रुपए। अब मान लो कि जो आदमी एजेंट है उसका मैथ थोड़ा कमजोर है तो वो कैलकुलेट नहीं कर पाता अलग अलग प्रतिशत कमीशन की, तो उसने क्या किया, वो कह रहा है कि जी मैं तो 4 ही% कमीशन ले लूंगा, हिसाब किताब आसानी से हो जाएगा, शुरू से आखिर जितनी बिक्री उसको 4% कमीशन, 1% भी ये मान लो कि वो कंपनी को दे देता है, 10,000 का 1% यानी कि 100 रुपए उसने कंपनी को और दे दिए, तो वो अपना कमीशन यहां भी 4 ही% ले रहा है और यहां भी 4 ही% ले रहा है, यानी कि शुरू से आखिरी तक उसका कमीशन केवल कितना बच गया, 4%। 28,700 रुपए कंपनी को पहले देता था, 100 रुपए यहां से दे दिए कंपनी को, तो कंपनी के पास रुपए चले गए 28,800। टोटल 100% की बिक्री होती है, उसमें से 4% इसका कमीशन रह गया शुरू से आखिरी तक का, तो 4% अपना कमीशन काट लिया तो कंपनी को कितने पैसे दिए उसने, 96%, और यहां 28,800 रुपए कंपनी दिए। दोनों बातें बराबर हैं कि वो 4% कमीशन रखता है तो कंपनी को इतने रुपए वो देगा, 1% की वैल्यू यहां से निकाल दूं तो ये बाद में चली जाएगी वैल्यू, 28,800 बाद में 96 काट देंगे तो ये कट जाएगा 300। 1% किसके बराबर है, 300 के। क्वेश्चन में पूछा कुल कितने रुपए की बिक्री हुई, तो कुल वैल्यू क्या होती है, 100%, तो 2 जीरो इसके पीछे लगा देंगे और उधर भी 2 जीरो लगा देंगे 300 के पीछे, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30,000, यानी कि केवल वो 30,000 का सामान बेचता था, अपना कमीशन काट के वो कंपनी को 28,700 रुपए दे देता।
देखो ये वाला क्वेश्चन भी पेपर में आया हुआ है, सेम इसी वैल्यू के साथ आया हुआ है, थोड़ा सा चेंज है पिछले क्वेश्चन से। एक जो एजेंट है उसको 15,000 की बिक्री तक तो 12% का कमीशन मिलता है, और 15,000 से ऊपर जब वो वस्तु बेचेगा तो उसका कमीशन बढ़ जाता है, यहाँ पे कितना हो जाता है 13%। यदि उसने अपना कमीशन 650 रुपए अपने पास रख लिया, पिछले क्वेश्चन में आके दे रखी थी कंपनी के जो रुपए दिए वो दे रखे थे, इस बार अपने पास जो रखा वो बता दिया 650, तो कुल कितने रुपए की बिक्री हुई। सेम वही कंसेप्ट रखेंगे, मान लो उसे 15,000 की बिक्री करता है तो कितना कमीशन मिलेगा 12%, इसके आगे उसको कितना कमीशन मिलेगा 13%। उसने अपना कमीशन कितने रुपए रख लिया 7,650 रुपए, ठीक है भाई। अब क्या करेंगे, यहां पे देखो ये 13% कमीशन मिल रहा है, यहां 12% मिल रहा है, तो इसको भी क्या कर लो 13% कर लो, कि 1% कमीशन और बढ़ा लो, तो 15,000 का 1% कमीशन मैं बढ़ाऊंगा तो ये कितने रुपए निकल जाएंगे 150 रुपए। अब 150 रुपए यहां कमीशन बढ़ाया तो वो कमीशन यहां भी बढ़ना चाहिए, 7,650 में 150 रुपए जोड़ दूं तो ये कितना हो जाएगा 7,800 रुपए, अब उसका कमीशन हो जाएगा 150 रुपए अगर बढ़ा दूं तो। ये 1% बढ़ाने का फायदा क्या हुआ कि उसका शुरू से लेकर आखिरी तक का कमीशन बराबर हो गया 13%, तो उसको दो अलग अलग हिसाब नहीं करने पड़ेंगे, एक ही 13% की कैलकुलेशन में काम चल जाएगा। उसको शुरू से आखिरी तक कितना कमीशन मिलता है 13%, तो 13% कमीशन मिलता है और 10 रुपए कितने मिले 7,800, तो 1% की वैल्यू निकालूंगा 13 उधर भाग में चला जाएगा, ठीक है यार यही काट लो 13 × 13 = 7,800 काट दो, 13 × 13 = 7,800, 1% की वैल्यू कितने रुपए हो गई 600 रुपए, तो टोटल बिक्री की थी 100% की, 100% की तो दो जीरो इधर भी लगा देंगे, तो टोटल बिक्री हो गई 60,000 रुपए की। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। आज की वीडियो में यहीं तक करते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब शेयर तथा लाइक जरूर करें।